राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाए जाने का मामला गर्मा गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक दल के नेता रामेश्वर डूडी ने इसे लेकर सीएम गहलोत पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से इसकी शिकायत भी की है, जिसे लेकर अब सोनिया गांधी ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। जोधपुर से लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भले ही वो चुनाव जीत न पाए हों, मगर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव उन्होंने जीत लिया है। लेकिन आरसीए का अध्यक्ष बने उन्हें अभी दो दिन नहीं हुए कि उनकी जीत सवालों के घेरे में आ गई है। ये सवाल उठाए हैं पूर्व विधायक दल के नेता रामेश्वर डूडी ने, जिनके पूरे कैंप को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। रामेश्वर डूडी का आरोप है कि आरसीए चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत को आरसीए का अध्यक्ष बनाया है, जिसे लेकर उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर शिकायत की है, जिसमें लिखा है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव उन्हें लड़ना था। इस बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मेरी बातचीत भी हुई थी और अशोक गहलोत ने मुझे ये चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्हें अयोग्य घोषित किया गया और जब वो स्टेडियम में पहुंचे तो उनके साथ वहां पुलिस ने बदतमीजी की। इसे लेकर सचिन पायलट ने भी निंदा की थी। पायलट ने कहा था कि रामेश्वर डूडी को रोकने के लिए जिस तरह से पुलिस लगाई गई वो निंदनीय है। पायलट ने कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर अब कांग्रेस आलाकमान भी काफी गंभीर नजर आ रही हैं और उन्होंने इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।